बदली है दिल से आई है लब पे बन के कवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली लब पे दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें पर झोली खाली निकली मेरे साईं की सवारी साई बाबा हंसते गाते गुनगुनाते शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी मुंबई से शिरडी तक की यात्रा साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी मैं तोरल राजपुत्रा और अबीर सूफी हम जा रहे हैं आज फिर से शिरडी हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 जो साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं जो कंटेस्टेंट्स हैं जो विनर्स हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था तो उन सभी को लेकर हम फिर जा रहे हैं साई शिरडी साईनाथ महाराज की जय बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं खुद को कि दोबारा मौका मिला है कंटेस्टेंट्स के साथ शिरडी जाने का और डेफिनेटली बाबा वहाँ होते हैं और इस बार बाबा के प्यारे 50 भक्त हमारे मेरे साई के प्यारे 50 व्यूअर्स और वो खुशनसीब लोग जो काफ़ी सारे लोगों में से सही जवाब देकर और यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो ये बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन पूछा जाता होगा आंसर सही है या गलत है हमने सही टाइम पर बताया या नहीं बताया बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बहुत सारी चीज़ों को पार करके वो यहाँ आए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें अच्छे से एंटरटेन करें और बाबा के दर्शन करें और हमारे साथ वो लोग भी बाबा का आशीर्वाद ले पाएँ फिर चलते हैं सास बहू और बेटियों के साथ असल में इस दशहरे पर शिरडी साईं बाबा की समाधि को होने जा रहे हैं पूरे 100 साल और इसीलिए सोनी टीवी के सीरियल मेरे साईं के साईं यानी अबीर और बाई जावा यानी तोरल आज पहुंचे हैं शिरडी साईं बाबा के दरबार में दर्शन पाने के लिए और इन्हीं के साथ पहुंचे हैं इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स भी परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साईरा अज्ञान ते मेरे से घरे धक्का गिरे ज्योति शुभंकर साईरा ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम आप सभी को ओम साई राम हमारी तरफ से और हमारे भजन से आप तो आपको पता ही लग गया होगा कि कुछ भक्तिमय माहौल यहाँ पे बना है जी हाँ बिल्कुल आप सही हैं हम जा रहे हैं आज साईं बाबा के दरबार शिरडी में और हम अकेले नहीं जा रहे हैं हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि हम यहाँ पे आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है तो अवंती क्या कैसा फील लग रहा है आपको जैसे मतलब हम साईं जी के जा रहे हैं एक तो मेरे साईं जो सीरियल है उसके जो एक्टर्स हैं उनके साथ हम जाने वाले हैं और उसी सीरियल के 100 एपिसोड्स ख़त्म हो ही गए थे एक पूरा साल भी ख़त्म हुआ है और उसी की खुशी में उन्होंने एक कॉम्पिटिशन ली थी जहाँ पूरे 50 लोग हैं पूरे देश से और उनको किसी को पता नहीं है कि हम आज उनके साथ जाने वाले और हमारे लिए बहुत ही हम खुशनसीब है कि साईं जी ने हमें बुलाया हमारे लिए बुलावा आया उनके दरबार से तो इससे बड़ी हमारे खुशनसीबी क्या हो सकती है कि पूरी साईं भक्तों के साथ हम भी जाएंगे तो उनकी भक्ति में हम मगन हो जाएंगे आइए चलो देखते हैं सब भोला भंडारी साईं भोला भंडारी भोला भंडारी साईं भोला भंडारी शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी शिव भोला भंडारी साईं बाबा समाधि को 100 साल हुए हैं तो उस 100 साल के पूरे होने के उपलक्ष में ये गरुड़ स्तंभ बनाया गया है जो इस बात का प्रतीक है कि हम धीरे धीरे इनलाइटेड होते जाएं हमारी थॉट हमारी जो फिलॉसफी है लाइफ को लेके जो हमारी नॉलेज है जो हमारे स्पिरिचुअल अप्रोचेज़ हैं वो ऐसे बढ़ते जैसे ये स्तंभ की हाइट बढ़ रही है मिलने जाएंगे अभी बाबा से और शाम की आरती करेंगे आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रैंड है वैसे मंदिर पहले से ही बहुत ग्रैंड है लेकिन अभी 100 साल पूरे कर रहे हैं तो और बहुत तरीके की लाइटिंग की गई है बहुत सुंदर डेकोरेशन है आप लोग आइए शिरडी धाम और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैं हूँ आपका होस्ट
अबीर सूफी, ये देखिए सामने। एक साल पहले मैं यहाँ आया था, मैं तब भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, मैं आज भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बस आप ये कह सकते हैं कि अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ शायद, और चीज़ें थोड़ी सी सेंसिबल हो गई हैं। अगर कोई बात अच्छी बुरी भी लगती है तो उसको उतने ही नॉर्मल वे में लेता हूँ, मस्ती के मूड में रहता हूँ। झूमते गाते अपने फैंस के साथ अबीर और तुरल का मुंबई से शिरडी तक का सफर काफी मजेदार रहा। इतना ही नहीं, इस सफर में इन्हें सरप्राइज तब मिला जब इंडियन आइडल्स के कंटेस्टेंट अवंती और नितिन भी उनके साथ शामिल हुए। परम ज्ञान का हृदय अंजन अलख निरंजन साईरा, अज्ञान तिमिर से घिरे भयंकर ज्योति शुभंकर साईरा। ओम साई 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 ओम। शिरडी पहुंचते ही अबीर और तोरल सीधा आ गए हैं साई बाबा के दरबार उनका आशीर्वाद लेने, और साथ ही साथ घुमा रहे हैं शिरडी। तो जैसा कि आज हम आए हुए हैं शिरडी में, और अभी हमने बाबा की आरती की है, बहुत ही खूबसूरत अनुभव था हमेशा की तरह। और मैंने तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होती है मेरे पास मांगने के लिए बाबा से, क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आता और मेरी ज़िद्द होती है, मुझे ये भी चाहिए, और वो हमेशा पूरी करते हैं। थैंक यू वेरी मच साई बाबा। अब हम चाहेंगे, और ये जो ट्री बाबा ने प्लान किया था, इसको लगाया था, इसकी परिक्रमा करें नंदादीप, इसकी परिक्रमा करेंगे हम, और आइए आपको दिखाते हैं शिरडी धाम। देखिए, मैं हमेशा से जितनी भी बार मैं आती हूँ शिरडी, मुझे ऐसे याद नहीं है कि मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मांगी हों बाबा से। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी हेल्थ अच्छी रखे और सबको खुश रखे, तो बस इतना ही होता है मेरे पास शायद मांगने के लिए। और ये मेरी माँ है। तो अब हम चलते हैं नंदादीप में दर्शन करने, बेटा आओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, साई बाबा समाधि मंदिर है, और ये बहुत सारे फैंस हैं जो बेसिकली साई बाबा के फैंस हैं, हमें तो बोनस में मिले हैं। और वो जिस तरीके से बाबा में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारा शो देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत खुशी होती है मुझे। ये देखिए, अभी हम नंदादीप से आए हैं, और यहाँ पर देखिए दत्तात्रेय जी की प्रतिमा है, हम वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे, और जो कि गाय के साथ खड़े होते हैं। और इससे दूसरी तरफ गुरु स्थान है, वहाँ पर अभी हम जाएंगे। ये दीप स्तंभ है, और अभी आपने जैसे देखा होगा कि हम गरुड़ स्तंभ पर गए थे, वहाँ पर जाके हमने बाबा से विश किया। ये देखिए दत्तात्रेय जी हैं, देखिए उनके पीछे गाय है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दत्तात्रेय जी का मंदिर है, और यहाँ पर आते हैं विश करते हैं, तो साईं बाबा समाधि दूसरी तरफ है, और ये यहाँ पर आएँ तो दत्तात्रेय जी के पास ज़रूर आएँ, अपनी विश ज़रूर कहें। ये हमेशा बहुत कमाल का अनुभव होता है यहाँ पर आना, और जैसे लोग मिलते हैं ना, तो आप कोई भी कैरेक्टर करें, फैंस आपको मिलते हैं, लेकिन इन फैंस में आपको बहुत सारी श्रद्धा मिलती है, लोग आप में बहुत बिलीव करते हैं। ये सब साईं बाबा का जादू है, और मैं चाहता हूँ कि ये जादू हमेशा बना रहे, लोग ऐसे ही हमें प्यार करते रहें, हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा काम करते रहें। ये दीप स्तंभ है, यहाँ शाम को आते हैं, और टिल डाउन एक्शन, यहाँ पर शाम को आते हैं और ये दीप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दीपदान किया जाता है, रोशनी करते हैं, और ये हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, ऐसा मोटिव होता है। तो दीप स्तंभ आएँ और यहाँ पर दिया ज़रूर लगाएं, मैं आज बायजामा के साथ यहाँ पर दिया लगाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ अ मैसेज टू एवरी वन, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतमगमय, मतलब हमें असत्य से सत्य की ओर, तमस यानी अंधेरे से उजाले की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें हे गुरु, ऐसी हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।
शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद पाकर सफर हुआ पूरा और हमारी यही दुआ है कि साईं बाबा की कृपा सब पर यूं ही बरसती रहे। नुपुर माउची, मुंबई, आज तक।